और आप कहाँ से? ब्राजील। ब्राजील ये तो पहले आए थे क्या? नहीं, पहली बार आए। बेसिक में कब से थे? कौन सा उनके पास? 15-16 साल से बेसिक में 91-92 में बेसिक में। अच्छा, और अशोक जी बेसिक में तब से हैं? 91 से। अच्छा, और एडवांस का पर्चे कहाँ से मिला? वो है ना वंडर वंदे मातरम, लास्ट ईयर से। अच्छा, वो मेरे को लेके आई। उधर कुछ क्लासेस अटेंड किए थे एडवांस के? किए थे। कहाँ? तेजपाल भाई के घर में। तेजपाल भाई के यहाँ? आईवर में और ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में भी किया? हाँ, दिल्ली मातरम। अच्छा, और घर में भी मैं करता हूँ प्रैक्टिस। डीसीडी है, MP3 है, बुक्स है, वो सब देखते रहता हूँ। अच्छा, VCD देखने के बाद एडवांस संदेश मिलने के बाद धारणा में फर्क आया या पहले से ही फर्क था? पहले से मैं बहुत सीख गया था, लेकिन बाद में मेरे को बहुत इजी हुआ अंडरस्टैंड करने। बात नहीं कर रहे हैं, धारणाओं की बात कर रहे हैं। धारणाओं में फर्क कब से पड़ा? बुक पढ़ने के बाद और VCD सुनने के बाद धारणा फर्क पड़ा, और मुरली सुनने के बाद। अच्छा, पहले बेसिक में उतना नहीं था? पहले बेसिक में उतना नहीं था। अच्छा, वो जो आदतें वगैरह मॉडिफाई में करता था और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता था और डूज एंड जो डोंट्स होते हैं वो सब मैं सीख लिया था, क्या करना नहीं करना, क्या खाना नहीं खाना। ये दो माताएं कब से चल रही हैं बेसिक में? 2001 से। अच्छा, 8 साल हो गए दोनों? नहीं, 2007 एक साल से एडवांस में चल रही है। और बेसिक में? बेसिक में एक साल पहले बेसिक में। अच्छा, लास्ट तो फास्ट है। ओ, आपने क्या किया? बाबा का फोटो खींचा गया है? मैंने आप फोटो खींचने में रह जाएंगे? नहीं, फोटो कैमरा है, कैमरा मिस है बाबा, मिस हो गया। जब कितने इंटरेस्टेड हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन नॉन लिविंग पिक्चर? अभी अगर एडवांस में आने के बाद आप अच्छे मिलने जुलने के बाद एक दूसरे की बातें सुनने के बाद बहुत सी बातें अटकती तो हैं, कुछ अटक रहा है इसीलिए चलिए। भाई इज टेलिंग इफ देयर इज एनीथिंग एनी प्रॉब्लम इन द नॉलेज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर कमिंग टू द एडवांस नॉलेज, इफ देयर इज एनीथिंग रिगार्डिंग द नॉलेज दैट इज बिकमिंग अ हिंड्रेंस यू कैन आस्क बाबा। वो तो कुछ नहीं, मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ कि जब भी मैं उधर दृष्टि लोगों के साथ बैठ के दृष्टि लेता हूँ और मुरली सुनता हूँ, 15 मिनट के बाद मेरे को नींद आना शुरू हो जाता है। तो मैं बार बार कंसंट्रेट करता हूँ, आँख खोलता हूँ, देखता हूँ, फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे स्ट्रगल करके मेरे हेडेक हो जाते थे। अगर मेरे पास उधर बेड होता, कोई नहीं होता, मुझे लगता है उधर ही सो जाऊँ, ऐसा नींद आता है। फिर बाद में ख़त्म होने के बाद उतना स्ट्रगल करके ख़त्म हो रूम में आता हूँ, रूम में नींद गायब हो जाता है, नहीं आता है। माना संगठन शुरू में पोशाक नहीं करने रहती? हाँ, ऐसे नींद किसी ने बोला कि वो माया कीर्ति है, ऐसा बोल रहे।
सो लास्ट टू डेज जब मैं मुरली वो भट्टी खत्म कर रहा था तो लास्ट टू डेज मैंने उसको बीट कर दिया. मैंने बहुत स्ट्रगल फाइट किया, पानी लगाया, आंखें मुंह धोया बार बार, अपने को ऐसे ऐसे कर दो चेंज कर दो. तो दो दिन मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, दो दिन नहीं हुआ. लास्ट टू डेज कंट्रोल हुआ. ठीक है, आप अपना पोशाक जारी रखिए. वैसे ये निशानी इस बात की है कि पापों का बोझ ज्यादा है. अच्छा. अगर संगठित क्लास में याद में या मुरली सुनते समय नींद आती है, झोंका आता है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा. जाम कर दिया पोशाक को. The brother asked about, he said when he sits in the class and listens to the murli, he feels drowsy and he goes to sleep. So he said, if there is a bed in front, I would go right to sleep. So Baba said, it is not letting you do effort in a gathering. So Baba said, continue with your effort. And then he said that this is a sign. You keep, when you are listening to murli, if you are having this drowsiness or if you feel sleepy, instead that this is a sign of the fact that a lot of burden is there for you. There is a lot of burden over you. So he said that you have to continue with your effort. Baba says that it is a good sign that you are not letting go. No, you're not letting your courage go off. You're at least becoming courageous, being courageous, and going on with the effort. I did feel sleepy as well to begin with. मुझे भी नींद आने लगा था शुरू में. Yeah. शुरुआत में नींद आई. फिर बाद में control हुआ. Later on, were you able to control it? Yes. Yesterday was my best day. कल मेरा बहुत अच्छा दिन. Sorry. Today. आज मेरा बहुत अच्छा दिन. आज मेरा बहुत अच्छा दिन था बोलते. Today. अच्छा. Yes. 2 o'clock I was there. Well, 10 o'clock. दो बजे मैं वहाँ थी क्लास में. आज मेरा बहुत अच्छा दिन था. अच्छा. I stayed and awake. आपको पहले से पता पड़ गया था कि बाबा से मिलना है. Were you aware before itself that you were going to meet Baba? Yes, probably. हो सकता है. हो सकता है. I thought I had to become a little bit better. मैं थोड़ा अच्छी हो जाऊँ ऐसे मैं सोच रही थी. थोड़ा ठीक हो जाऊँ. कल से या कल से पहले आपको पता पड़ गया था कि बाबा से मिलना है आज की तारीख में. माता जी, बाबा इज आस्किंग, डिड यू बिकम अवेयर यस्टरडे और बिफोर दैट दैट यू आर गोइंग टू मीट बाबा टुडे? नो, आई डिडंट नो. आई डिडंट नो. मुझे पता नहीं था. आपको पता चला? नो, आई न्यू टुडे व्हाट टाइम समबडी केम टू टेल इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. आज सुबह मुझे पता चला. आई डिडंट नो. आपने पहले नहीं? आज सुबह मुझे पता. Did you come to know in the Amrit Vela morning, early morning? No. After that, Amrit Vela ke baad pata chala. Haan, phir bhi Amrit Vela acha hua. Haan, lekin main to sure tha, information nahi bhi mila tha hum logo ka baba milenge kar, pata hi nahi. Lekin mujhe andar se sure tha, England wapas jaane se pehle zarur hum log milenge, ye mujhe sure tha. Bilkul. The brother said that I was very sure that Baba will meet. I will meet Baba before going. So Baba said, "You have come from so far away. Then will Baba let you go? That as it is." So this is Baba's my scene, yeah, sleepy during the day. So how can I burn this thing somehow? ये मेरा पापों का जो बोझा है उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है. इसको मैं कैसे भस्म करूं? पहले आ रही थी, अब थोड़ी आ रही है. Baba is telling that you're not feeling sleepy now. It was before that you were feeling sleepy, right? Yeah. Just before, I don't know now from what I let you know. आगे मैं बताऊंगी. Feel sleepy. Maybe it will really I doubt it. बता रही हूँ कि आगे मैं बताऊंगी अगर मुझे नींद आएगा तो. अभी आज के लिए तो ठीक है. आज के लिए अच्छा है. Continue.
अब कंटिन्यू I don't think I will feel very sleepy anymore. मुझे नहीं लग रहा कि मुझे आगे इतना नींद आएगी. संगम युग शूटिंग का टाइम है. शूटिंग अच्छी होती है तो तीसरे जन्म सारा अच्छा होगा. एक ही जन्म की तो बात ही है, वो तो अच्छा होगा ही होगा. संगम युग इज द पीरियड ऑफ फॉर शूटिंग. सो इफ द संगम युग इज गुड देन योर 63 बर्थ विल ऑल्सो बी गुड एंड देर इज नो क्वेश्चन अबाउट द 21 बर्थ एट ऑल. इट विल बी गुड एनी वे. 63 जो बर्थ बोलते हैं वो क्या एंड ऑफ द ब्रॉन्ज एज तक है? वो पूछ रहे बाबा कि जो 63 जन्म बोल रहे हैं. मैंने पहले भी सुना है, मेंशन किया है. तो वो पूछ रहे हैं कि वो क्या ब्रॉन्ज एज आयरन एज आयरन ब्रॉन्ज एज कॉपर एरा आयरन एज कलयुग और ब्रॉन्ज एज है. ब्रॉन्ज एज तो बाबा तो कहते नहीं बोलिए ना ब्रॉन्ज एज. तो उनका मेटल का क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी के हिसाब से बोलते हैं. सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज कॉपर कॉपर द्वापर युग के अंत तक है क्या? 63 जन्म ऐसे पूछ रहे हैं. द्वापर जन्म कलयुग के अंत तक, द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक 63 वर्ष. कॉपर फ्रॉम द कॉपर एज टिल द एंड ऑफ द आयरन एज इट इज 63 वर्ष टोटल. यस. देन 84 फिर क्यों है टोटल टुगेदर? उससे पहले के 21 जन्म द्वापर कलयुग से पहले के जो दो युगों में जन्म हुए हैं वो 21 जन्म. वो तो चढ़ती कला के अच्छे जन्म है क्योंकि हम यहाँ जितना श्रीमद से चलते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं श्रीमद के अनुकूल, उतना वहाँ ऐड हो जाता है. और वो हिसाब किताब जब पूरा हो जाता है तो हर जन्म में अपना कर्म करना, हर जन्म में नीचे गिरना. बाबा इज टेलिंग दैट शूटिंग के आधार पर अभी शूटिंग हो रही है. बाबा इज टेलिंग दैट इट मेक्स 84 बर्थ द 63 इन द कॉपर एंड आयरन एज प्लस 21 बर्थ इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस दैट मेक्स अप टू 84 बर्थ. सो ही सेड द 21 बर्थ दैट आर देयर इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑन द एक्सटेंट टू विच वी फॉलो श्रीमद हियर एंड इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ असेंडिंग द असेंडिंग एज. Whatever shooting we did for ascending, that makes the 21 birth. So once the account is finished, account of our following Srimad, that account is finished, after that, whatever birth, in whichever birth we take, whatever karma we do, whatever deeds we do, based on that, the next birth will be there. Yeah. So this is very important to do right karma in this life and like she practices in England, everything, give and take, karmic accounts. She takes good care about karmic accounts. If we do good, we will not do bad, we will not do bad, so that will come to balance in practice. After that, we will do good karma in the practice. We will do good karma in this jana, we will do good karma in this jana. Then we will do good karma in this jana, we will do good karma. Baba is telling that in the confluence age, if you do good deeds, if you put a practice to do good deeds, then that practice continues in the 63 birth also. So there too, you will continue to do good deeds in one birth and the results you will experience in the next birth. Yeah. So this means my birthday before, I was really bad because I prayed so much. How do you remember? I know I'm suffering. I did suffer. बोल रहे हैं मेरा पिछला जन्म बहुत खराब था, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ. मैंने बहुत भुगता होगा पिछले जन्म में. पिछले जन्म से भी ज्यादा खराब तो ये जन्म हो जाता है जान मिलने से पहले. बाबा इज टेलिंग दैट मोर देन द प्रीवियस बर्थ दिस बर्थ विल बी द वर्स्ट वन बिफोर गेटिंग द नॉलेज. लेकिन अभी तो अच्छा ही अच्छा है. नाउ इट इज ओनली गुड एंड नथिंग एल्स. Yes. And she's very happy. Because Kalyanakari Baba ji pehchan hui hai. Because you have recognized the beneficial father. Father, yes. And my bhakti was wonderful. Mera bhakti bahut acha raha. Sabhi ka acha hai. It was good for everybody, Baba say. Ha. It was the best for me. Very good. If you are very enthusiastic, it is very good, Baba say.
if you are very enthusiastic about it, then it is very good. जब आखिर में रिजल्ट निकलेगा तो हर आत्मा अपना पार्ट अच्छा समझेगी, मेरा ही अच्छा है. When the result finally comes out, then every soul will feel that my part is the best. और आप तो अभी से ही अच्छा समझते हैं. And you are already thinking that yours is the best. Is that your camera? So we have to take the money to do some service. और अभी आपका संगठन कैसे चल रहा है मॉरिशस में? चल रहा है बाबा, इससे भी 18 लोग हैं. 18 लोग हैं अभी. अच्छा, अब इन दोनों माताओं को लेकर 7 लोग भर्ती कर चुके. अच्छा, और एक दो लोग चले गए हैं बेसिक में. हाँ, और कुछ लोग चले गए. हाँ, कुछ लोग कोर्स लेकर चले गए. हाँ, फिर नहीं आए. और वैसे संगठन चल रहा है. बच्चे भी वो वापस चले गए? नहीं नहीं, वो नहीं. मतलब कि जो आए थे कोर्स बेसिक में चल रहे थे और कोर्स लिया, मतलब कि कोर्स पूरा नहीं कर पाया, निश्चय में बैठा. अभी दो नए आए हैं, दो डायरेक्ट आए हैं, एक कुमारी और एक माता. हाँ, उनका निश्चय पक्का है. And she said there were two souls, they went back to basic. So they have not done their work yet, but after the course they went back. So Baba said that means they were not filled completely with the force. They have done the course, but the force was not filled into them. That's why they might have gone back. So they became. Yeah. So why did they go back? They just took the course at once. Course, and Baba said there was not enough force in them. The force was not filled into them. That's why they went. उनको मुरली पढ़ना अच्छा लगता है. तो वे कहते हैं वहाँ बेसिक में उनको मुरली मिलती है या मुरली नहीं मिलती है. वो डायरेक्ट हम तो सीडी में देखते हैं, सीडी में सुनते हैं. तीन तरह की बाबा ने मुरली बताई है. बताया वे लोग घर ले जाना कर पढ़ना चाहते हैं. हाँ, तो जैसे बेसिक में मिलता है वैसे ही रोज की मूल में लोग खाते हैं. बेसिक में उनको मिलता है. एडवांस में घर ले जाने के लिए वीसीडी नहीं मिलती? वीसीडी तो है लेकिन ले जाने के लिए तो नहीं है. ले जाने के लिए है, खरीदना पड़ता है. जो वीसीडी मुरली वो कागज की मुरली मुख में थोड़ी दे देते हैं. जो वीसीडी है बाबा, वो तो क्लास में हम यूज करते हैं. जब कोई आता है तो उनके लिए कॉपी नहीं देते? कॉपी नहीं निकाल सकते. हमारे पास नहीं है वो. हा? हमारे पास सुविधा नहीं है कॉपी निकालने के लिए. पाटला वाले के पास सुविधा है, वो देंगे. यहाँ से लंदन में ही लंदन से जिसको जरूरत होगी. हाँ, लंदन से लंदन से अशोक भाई पिछले बार मॉरिशस आए थे. हाँ, तो वे लाए थे कुछ वीसीडीज क्लास के लिए. हाँ, और इस बार भी अभी उन्होंने भेजा है. हम चले आए इधर, लेकिन वे बता रहे थे कि उन्होंने पोस्ट किया है. आनंद भाई हाँ आ रही है, लेकिन अभी मुझे सीखना है वो. कंप्यूटर चलाना सीखा नहीं है? ऐसे चला लेती हूँ, ईमेल कर लेती हूँ, लेकिन सीखना है मुझे, बहुत कुछ जानना है उसमें. बाबा, माता जी सेड दैट वी सोल्स हु हैड गॉन बैक टू द बेसिक देयर, दे वर दे हैड द प्रॉब्लम दैट दे वांटेड मुरली टू रीड, एंड दे थिंक दैट इन द बेसिक दे गेट द मुरली टू रीड. सो बाबा सेड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मुरली, and to get the VCDs here in advance. So she said she didn't have the facility to give the VCDs. So they wanted the reading material, only the reading movies. Mm-hmm. So that's the reason they went back. So Baba said it is available in London, even in London Gita Pathshala, you can get the CD and then you can distribute it to people. अभी मैं सब के लिए ले जा रही हूँ, ये ऑडियो जो है ऑडियो वाला मैं सबको दूंगी. अभी ले जा रही हूँ सब के लिए. डीवीडी में सारा आ जाता है. हाँ, ऑडियो में ढेर सारी मुरलियाँ हैं ना, तो वैसे सबको दूंगी एक एक. सर, इन अ फ्यू वीसीडीज इन अ फ्यू डीवीडीज इट्सेल्फ यू कैन फिल अ लॉट ऑफ ऑडियो सीडीज.
20 DVDs सारा ही आ जाएगा? In 20 DVDs you can fill the whole matter. अधिक से अधिक लिए जा रहे हैं बाबा. फिर उसको उन लोग ये नहीं समझाया कि बाबा ने तो थर्ड क्लास माल सेकंड क्लास समझाते हैं बाबा, भी बताया है समझाया. तो आप थर्ड क्लास लाना क्यों पसंद करते हैं? मुझे प्रश्न चाहिए, जब मुरली में ही बताया है कि कागज में पढ़ा हुआ कागज से सुना हुआ वो है थर्ड क्लास, और टेप रिकॉर्डर से सुना हुआ है सेकंड क्लास, और बाबा के मुख से माउथ टू माउथ सुना हुआ वो है फर्स्ट क्लास. तो आप फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास को छोड़ दें, थर्ड क्लास क्यों कर रहे हैं? क्यों को कर रहे हैं आप? हम आपको फर्स्ट क्लास की तरफ ले जा रहे हैं. First class, second class and third class. The written material that is on the paper, that is third class Murli. And the first class, the second class is the one which get to hear on the tape, the audio. And the first class is the one which you hear directly from Baba. So Baba is telling Mataji that you should have told them that we are taking you towards the first class and leaving aside the first class and the second class, why are you going for the third class Murli? वे जल्दी मिलते भी नहीं है बाबा, कभी ऐसे अकस्मात मिल जाते हैं तो पूछ लेते हैं तो बताते हैं वहाँ अच्छा लगता है. लोगों को इस बारे में पता नहीं, कहते हैं कि आप लोग देख रहे हो बीसीडी में, तो हम भी वहाँ पर दादी गुलजार को देखते हैं और टीवी पर वे लोग भी दिखाते हैं. और हम लोग पेपर में मिल जाए, कागज में लिखा हुआ तो हम सोचते हैं सबसे बेस्ट है. दिस इज प्रॉपर हाथ से लिखा हुआ, उसका वैल्यू ज्यादा देते हैं हम लोग. न्यूज पेपर में उन्हें जो कागज में लिखा हुआ उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं हम लोग. लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है इस संबंध में? शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से क्या बोला हुआ है इस संबंध में? वैल्यू तो सबसे ज्यादा उस बात की है ना, हमारी हम क्या मान्यता है, हमारी हम क्या बोलते हैं, हम क्या समझते हैं, वो उसका कोई मान्यता नहीं. लेकिन शिव बाबा ने अब ब्रह्मा बाबा के मुख से क्या बोला है? उन्होंने मुख से बोला हुआ है कि फर्स्ट क्लास मुरली है जो सामने बेड में सुनी जाती है, दृष्टि भी लेते हैं, वाइब्रेशन भी लेते हैं, कानों से सुनते भी हैं, और बेसिक में और यहाँ तो और एक अंतर है, वहाँ कोई प्रश्न नहीं कर सकता, और यहाँ प्रश्न भी प्रश्न हर प्रश्न का जवाब भी दिया जाता है. Here the brother asked that, the brother said that we feel the written material, the written Murli, if we get hold of it, we feel that it is very valuable. So Baba said, what has Shiv Baba told through the mouth of Brahma? What has he told? Whatever we tell, it may not have any value. But what has Shiv Baba himself told through the mouth of Brahma? He has told that the first class Murli is the one you hear directly through the mouth. And in it you get the drishti. Along with it, you get the vibration, and you also get to hear through your own ears. You can hear to the Murli. So that is the first class Murli. Baba, और क्या है जब वे लोग उधर जाते हैं तो उधर वे लोग अभी अभी बहुत सावधानी बरतते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत उनको फुसलाकर हमारे खिलाफ भड़काते हैं, तो उनको लगता है कि हम गलत हैं. तो बात ऐसे ही हो गई जैसे चूहा मीठी मीठी फूंक देता है और मौका पड़ने पर काट लेता है. तो ऐसी बात हो गई ना, ज्यादा मीठा मीठा बोलते रहो, जैसे दुकानदार होते हैं चालाक दुकानदार, बहुत मीठा बोलते हैं और मीठा मीठा बोल करके उनका सारा पैसा छीन लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है अरे इसने तो हमको ठग लिया. That is why they tell against the advance, they tell many things there. So Baba said it is like a rat. It is like a rat when it wants to bite something. So it will initially it will blow some air over it. You know, it feels nice. It feels very cold, and then it will bite that area. So said it is similar to that. It's like a shopkeeper who tells very nice things. You know, he influences the people, and then he takes their money. Grabs their money, takes more money. So it's like a shopkeeper. यहाँ तो बच्चे लोग कभी लेके जाते हैं तो बोलते हैं नहीं लाना बच्चे को, सिर्फ बड़े लोगों की करने की.
जैसे बता रहे हो बच्चे लोगों को लेके जाते तो बोलते बच्चों को नहीं लाना है, सिर्फ बड़े लोग आना है वहाँ पे। वहाँ यहाँ में अंतर यह है कि वहाँ जो बच्चे हैं वो तो बेसिक नॉलेज भी लिए हुए नहीं है पूर्व जन्म के, और यहाँ जो बच्चे आते हैं वो तो वही आते हैं बाबा के सामने जो पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज ले चुके हैं, इसलिए जो थोड़े ही समझदार बच्चे हैं उनको अलाउ किया जाता है। So Baba said the difference between here and there is that the children who come to the advanced knowledge, they are those children who have already taken the knowledge in the previous birth. And there it is not like that. And that is why he said that the children who can understand a little bit are allowed to come inside. जो सीधी हमारे यहाँ गीता पाठशाला में चला रहे हैं या देख रहे हैं तो वो घर ले जाकर देख के फिर ला सकते हैं वहाँ बाबा से पूछ सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट बाबा सामने हैं। बाबा जो सीधी हमारे यहाँ गीता पाठशाला में चलाते हैं दिन भर तो उसे लेकर शाम को घर में जाकर देख सकते हैं सुन सकते हैं फिर वापस कर सकते हैं। ज्यादा कास्टली तो नहीं, अच्छा वीसी देखने की भी जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा है डीवीडी, एक डीवीडी में 100 भरी जाती है वो तो मुरली से भी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। Mataji asked that the VCDs that they watch in the Gita Pathshala, can we take the same VCDs to our house in the evening? So Baba said, it's not very costly, the VCDs are not very costly, and he said there's no need to even watch the VCDs, you can take the audio DVD, in one DVD you can fill up to 100 classes, so you can just listen to the murli, so it becomes very cheap. और बाबा जब घर के सामने रहते हों तो ले जाने की तो आवश्यकता नहीं रही ना, सिर्फ रास्ता पार करना है। तो अपना घर में भी तो कभी कभी सुन सकते हैं ना, आज कभी अभी ले जा सकते हैं अभी तो हमारे पास नहीं है एक जी, अभी अभी हम यहाँ से लेंगे जाने लगे लेंगे नहीं लेके जाइए, अभी नहीं लिया है, नहीं लिया है बाबा, अब लेंगे। हाँ जी सेवा परम नाम से आता है तो कोई रुपया पैसा थोड़ी देगा, लेकर के हमको दे जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या चीज है? सेवा प्रॉपर्टी तो जो मुख से वाणी बोलता है वो प्रॉपर्टी ज्ञान है, तो उसकी वैल्यू हमको सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके आधार पर हमारे 63 जन्म बनते हैं, 21 जन्म बनते हैं। बाबा सेड दैट व्हेन शिव बाबा कम्स डज ही गिव अस एनी मनी, ही डजंट गिव अस एनी मनी, बट व्हाट इज हिज प्रॉपर्टी दैट ही गिव्स अस, this is knowledge, and that based on that itself our 21 births are made and our 63 births are made, that is the property that Shri Baba comes in with. Baba aur wahan ki Gita Pathshala to subah se sham tak koi bhi aa sakta hai aur aadhe din se sham tak khuli rehti hai, koi bhi aa sakta hai, kisi bhi waqt aaye to hum murli chalate hain unke liye, ek ke liye bhi, haan ek ke liye bhi कोई है जो रोज आता है, ऐसे कोई सप्ताह में 2-3 बार आते हैं और संगठन के दिन रविवार को कोई है, किसी को शादी में जाना है, किसी को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई दो सप्ताह के बाद, कोई एक महीने में एक बार ऐसे आते हैं, और कोई है जो रेगुलर है। क्या मॉरिशस में होता है? मॉरिशस में। They are played from morning till evening. Whoever comes, they are played. Some come regularly, some come once in a week, some once in a month. England se acha hai bol rahe hain. We supposed to have like these in London. We desperately need a Gita Pachara in London. Pardon? We really need a Gita Pachara in London. We don't have. London mein Gita Pachara chahiye bol rahe hain. Hai? There is one. Parati, there is one. नो वो मेन जगह बोलते हैं लंदन, मेन शहर लंदन सिटी की मेन जगह है, लंदन सिटी है जो मेन जगह है, वहाँ पर एक होना चाहिए बता रहे हैं।
ये चाहिए वो चाहिए, जैसा हमने कर्म किया होगा उतना ही तो मिलेगा. Sir, we want that, we want this, whatever we have done, whatever deed we have done, only that much we will be able to get. The most people will get the followers is from London, the most people there. ज्यादा से ज्यादा जो जिज्ञासु है वो लंदन के है, बता रहे हैं वहाँ पे मिलते हैं. And it costs money for them to go out to Oxford, and a long journey, 2 hours, and cost about 40-50 pounds. If you want to go to Ivor, it costs a lot of money. Those who live very far, they can go once in a month. If they are a little bit distant, then they can go once in a week. And those who live in the neighborhood, they can do daily class. बाबा कोई कोई दूसरे गांव से रोज आ जाता है. रोज आ जाता है तो ज्यादा लगा नहीं. हां बाबा जी सेड कम फ्रॉम द नेबरिंग विलेज आल्सो दे कम डेली. बाबा सेड दे हैव मोर लव फॉर द मुरली, दे हैव मोर अफेक्शन. और कोई ऐसे भी है मुरली खत्म हो रही है तब आ रहे हैं. सब मुरली तरह ही ठीक है. अपनी अपनी गेनिंग है. जैसे लौकिक बाप से कोई बच्चे कम प्रॉपर्टी ले पाते हैं, कोई बहुत कुछ ले लेते हैं, ऐसे यहाँ भी है. नंबर वाला है दैट एवरीवन हैज देयर ओन गेन्स, एवरीवन मेक्स देयर ओन गेन्स. लाइक इन द लौकिक आल्सो द सम चिल्ड्रन, सम ऑफ द चिल्ड्रन टेक मोर प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर एंड सम टेक लेस, देयर ऑल नंबर वाइज. I was a bit lazy, but we talk on the phone all the time. So, and through the internet. So the internet and is my excuse to be lazy and not go and see. बोल रही हूँ मैं थोड़ा आलसी हूँ और फोन से मेरा थोड़ा हो जाता है, फोन से मिल जाता है, बाकी इंटरनेट से भी देख लेती हूँ, बाकी मैं आलसी हूँ. But after a year came to see him, which is the best, is the first class one. एक होता है बॉडी का भोजन, yeah. एक होता है बॉडी का भोजन और एक होता है आत्मा का भोजन. बॉडी के भोजन में कोई नहीं कहता मैं आलसी हूँ. बाबा says that one is the food for the body and one is the food for the soul. And for the regarding the food for the body, no one says that I'm lazy. बाबा किसी किसी को तो क्लास में आते ही कंप्लेन रहती है बीमारी की. बीमारी की कंप्लेन रहती है. बीमारी कंप्लेन करना शुरू करते हैं. वो भी अपना अपना कर्म हो गया कहने की बात ही नहीं. बाबा मैंने देखा है तो ये सेंटर ज्यादातर अनहाइजीनिक है. वहाँ ना धूप आती है ना हवा आती है, जर्म से भरा हुआ है. तो कोई वहाँ तो कोई तंदुरुस्त आदमी भी आके बीमार हो जाता है. जो पहली बीमार है उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है. जो भी आपको मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, वो किसके कर्मों से मिल रहा है? नहीं, उसको सुधार सकते नहीं, 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 नहीं. आप जो है ना, आप ज्यादा विश्वास करते हैं मुस्लिम धर्म पे, इसलिए ये बात भूल जाते हैं पूर्व जन्मों का भी हमारा कनेक्शन है. पूर्व जन्मों का जो हमारा कनेक्शन है वो हमें उतना ही देता है जितना हमने किया है. क्या क्या है? सेंटर को सुधारा जा सकता है. वहाँ बजाय इसके दिन में 12 बजे भी लाइट के बगैर अंदर नहीं जा सकते, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता. आपको अच्छे से अच्छा सेंटर मिला हुआ है वहाँ गीता पाठशाला लंदन. उधर मिला हुआ है वो अपने तरीके से है. आप उसे उतना अच्छा समझते हैं कि जो बाहर की चीज है वो अच्छी होनी चाहिए, अंदर की चीज चाहे बिल्कुल गया काम से, तो भी कोई हर्जा नहीं. ये अपनी अपनी मेंटेलिटी है समझने की, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. और फिर आपका अच्छा था पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा. ब्रदर सेड दैट द सेंटर्स ओवर हियर दे आर वेरी अनहाइजीनिक, नॉट वेरी वेंटिलेटेड. ही सेड दैट्स व्हाई
even in the 12 o'clock in the noon, you need light to go inside. So Baba said, and he said, he also said there are germs inside. So Baba said, whatever you're getting, because of whose deeds are you getting that? Whatever is available to you, becoming available to you, because of whose deeds is it becoming available? It is because of your own deeds that you are getting that type. And Baba said, you have a more affection towards or more belief in Muslim religion, and because of that, you are also getting that our connection is with the previous birth too. Whatever your previous efforts, previous deeds were there, the birth, previous birth deeds were there. Because of that, you are getting this type of environment. And he said, in London, you are getting a very good environment, very good Gita Parshala. But you have to if you are telling here and there, and there, whatever is outside, that is very nice. But what about the inside? It is not necessary that whatever is nice outside has to be nice inside. It may be nice outside, but it is not nice inside. Whatever you're getting is because of the previous, your own previous seeds that you're getting. Why would God come to this poor country? He could have come in America, everything posh and nice. He would have got. मैंने तो ये देखा है दुनिया में सब कंट्री से ज्यादा इंडिया में जरूरत है शिव बाबा को यहाँ उनको ज्यादा जरूरत है जिस तरह सब में देखा है एनवायरनमेंट कितने अरब लोग आके चले गए अफगान लोग आके चले गए मंगोल लोग आके चले गए गोरे लोग आके चले गए तो क्या बताए इतना पुराना देश है यहाँ तो धूल उड़ते हैं इतने लोगों ने यूज किया जमीन यहाँ तो रास्ते में धूल भरे धूल उड़ते हैं ग्लोबल गार्डन में कर्टन में विंडो में रूफ में घरों में इतने अच्छे अच्छे करोड़ों के घर इतने ब्यूटीफुल है धूल मट्टी से भरे हुए उनका कोई वैल्यू नहीं है द ब्रदर सेड दैट ही फील्स दैट द इंडिया नीड्स शिव बाबा द मोस्ट इंडिया इज द कंट्री व्हिच नीड्स शिव बाबा द मोस्ट द सिचुएशन हियर द एनवायरनमेंट हियर एंड ही सेड दैट द अरब्स केम द मंगोल्स केम द दे केम एंड द अफगान्स केम And whatever is left here is only the dust now. You can see the dust blowing everywhere. Dust, it's flying everywhere. And even the house of the multimillionaires, even on the curtains of the house of the multimillionaires, there is dust settling on it. English language. British, English bhi aaya, Angrez log bhi aaya, bata rahe hain. They are all under the Everyone dust. Everyone came. Look at those beautiful buildings, no value. All under the garbage. धूल के नीचे वो इतना सुंदर बिल्डिंग भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है धूल के फूल बोलते हैं ना ऐसे ही फ्लावर्स ऑफ डस्ट ये बट दे आर वेरी फॉर्चूनेट बिकॉज़ दे हैव हिम हियर ही गॉट हियर वो बता रहे बाबा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर ये है बाबा है लेकिन उनको बाबा का ज्ञान नहीं है ना And I don't see any peace in England either. England में भी मैं कोई शांति मुझे दिखाई नहीं पड़ती है बता रही माता जी मतलब बाहर के वैभव से ही शांति नहीं होती है शांति तो बोले कितने साल से बाबा बोलते चले आ रहे हैं सुनाते हैं शांति अपने गले का हार है बाबा इज टेलिंग दैट ओनली आउटसाइड लग्जरी विल नॉट ब्रिंग यू पीस बाबा इज बीन टेलिंग इन द मुरली ऑल द टाइम दैट द पीस इज योर नेकलेस विरोधी एनवायरनमेंट में रह करके अपने को शांत कर लेना वो ज्यादा पावर की निशानी है व्हाइल स्टेइंग इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हॉस्टाइल वाइब्रेशन इफ यू आर एबल टू मेक योरसेल्फ पीसफुल देन दैट इज द साइन ऑफ मोर पावर कोई कोई ऐसा भी होता है बाबा आप कितना भी उनको समझा बुझा कर लाए अब यहाँ आने के बाद उनकी घबराहट शुरू हो जाती है धूल देखकर ये देखकर वो देखकर मेरे साथ भी वही हो रहा है भल अगर हम अपना सोचें हम अपना अतीत तो हम गरीब से गरीब वातावरण में हमने गुजारा किया है तो हमको कठिन नहीं लगता है और पहला तो हम ये सोचते हैं जब बाबा ने ऐसे ऐसा अपना जीवन गुजारा है तो हम कौन होते हैं हम तो उसके बच्चे हैं ना तो हमको तो डील करना चाहिए हर वातावरण जो बाबा के घर है वो तो हमारे लिए सब कुछ है Mother is telling that in spite of explaining to the students and then bringing them here, in spite of that, when they come here, they become scared. You know, they are very, they get
anxious on seeing this environment, on seeing the dust and the environment. She says that we remember our own past. We used to live in a very poor status. And so it is not very difficult for us. And when Baba has gone through all this, when Baba has lived here, then it shouldn't be very difficult for us who are his children. कईयों को शिकायत होती है कि रोज एक ही तरह का खाना मिलता है अपने घर का खाना पूछती हूँ हमको कोई शिकायत नहीं सब कुछ अच्छा लगता है मैनी कम्प्लेन दैट दे गेट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे संगीत साथी भी तो अच्छे होने चाहिए वो भी तो वैरायटी होना चाहिए ना अगर संगीत जीवन साथी वैरायटी होना चाहिए Baba is asking the life partner should that life partner be a variety type? Should you have a variety life partner or should you have only one? Only one. variety only. Mere liye only one. But you said only one. So Baba is asking why you should have variety. No, he's asking. Well, I have a different problem. I love the food so much, I ate so much, my own greed, and I became sick. वो बोल रहे मुझे एक oh my मुझे एक दूसरा किस्म का problem हुआ एक समस्या हुई कि मैं मुझे वो खाना जो है बहुत अच्छा लगा और मैं इतना खाई लोभ के मारे में ज्यादा खाई और उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी और मेरा ही लोभ था ऐसा नहीं होता मोस्टली ऐसा होता है जब अच्छा वैरायटी भोजन मिलता है तो ज्यादा खा लेते हैं और अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा खाते हैं बाबा सेज दैट मोस्टली इट हैपेंस दैट व्हेन पीपल गेट वैरायटी फूड दे ईट अ लॉट एंड इफ दे डोंट गेट वैरायटी फूड देन दे ईट वेरी लेस मोस्टली इट हैपेंस दैट वे आई जस्ट वांट टू ईट द डॉट इज द सेम एवरी डे दैट्स फाइन बाय मी दिस फूड हियर इज माय फेवरेट मासी जी बोल रहे हैं मुझे रोज एक जैसा खाना अच्छा लगता है और यहाँ का खाना मेरे लिए सबसे अच्छा है अगर मैं लंदन इंग्लैंड में अगर मैं खाने के लिए बाहर जाती भी थी तो मैं भारतीय होटल में रेस्टोरेंट में जाती थी हिंदुस्तान का तो नारा ये रहा है आदर्श जीवन का सादा जीवन ऊंचे विचार उच्च विचार जीवन सादा हो खाना भी सादा हो पहनना भी सादा हो रहने के लिए मकान भी झोपड़ी हो जैसे आश्रम के वातावरण में झोपड़ी होती थी सारा जीवन प्राकृतिक होता था लेकिन अंदर से जो विचार हो वो बड़े एक्सीलेंट होने चाहिए Baba says that it has been the slogan of the standard living in India that there should be simple living and high thinking. The food should be simple, the whatever you wear, the clothes should be simple, and even the house you live in, that also should be simple. They used to live in the ashram, the environment of the ashram where there were huts, small huts made, and in the huts they used to live, and the whole life was within the natural environment. But their thoughts were excellent. Closer to the nature. प्रकृति के नजदीक और अभी शूटिंग ही सारी इसी से हो रही है प्रैक्टिकल कर्म से शूटिंग नहीं हो रही है हमारा जो अंदर अंदर विचार सरणी चल रही है उससे हमारी शूटिंग हो रही है एंड द शूटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ इज ऑल्सो थ्रू दिस दैट इज द थॉट It is not the practical living that is the shooting is not taking place through the practical living, but through the thoughts that go on, the series of thoughts that go on in our mind, through that the shooting is taking place. बाबा हमारे यहाँ गीता पाठशाला में छत फटी हुई है बरसात होती है तो बरसात होती रहती है पानी छूटा रहता है अंदर लेकिन हमारी क्लास चलती रहती है ध्यान नहीं जाता है उस पर गीता पाठशाला में भी there is it's broken and when it rains the water comes inside the room but still the class continues even with that it doesn't affect koi disturbance nahi aata hai you're not disturbed
it's going to get worse, isn't it, when it comes to the destruction? So she better get used to it. वो बता रही मामा कि आगे अभी चलकर और भी ये बदतर होने वाला है परिस्थिति. बोला ना अभी से आदत पड़. अगर तुम्हारी बाबा ने अगर बाप दादा ने बोल दिया है पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा. अभी तो डनलप के गद्दों पर बैठ रहे बाबा. अब क्या करेंगे बाबा. चलिंग अवेक बाप दादा हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट यू विल हैव टू मेक the mountain, you know, the hills as your seat, the backrest, and now you're getting the Dunlop bed mattresses to sit on. What will you do then? I don't know yet, because I will miss so much where I was. Mm-hmm. Yeah, I will now miss the Delhi center, how do you call it? बोल रहे हैं मुझे बिहार. Yeah. मुझे बहुत मैं उसको बहुत मिस करूंगी कि यहाँ पे मैं आई थी. मुझे अच्छा लगा तो मैं बहुत उसकी बहुत याद आएगी. मुझे दिल्ली सेंटर की बहुत याद आएगी. जस्ट बिकॉज यू आर मेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर. मुझे अच्छा लगा बोलिए. मेरा तो पेन निकल गया सारा बॉडी से. इंग्लैंड से आया था ना, सब बदन छूटा दर्द कितने सालों से. चलने में तकलीफ होता था, सब दूर हो गया. कई आते सहयोग अलंकार तो नहीं निकाल रहे. The brother he said that I had a lot of body pain when I came from London and all the pain is gone. So Baba is asking, are you exaggerating? शरीर में तो पीड़ा होती है बाबा, हड्डियों का रोग तो है, लेकिन बाबा की याद से सब आसान हो जाता है. नहीं यहाँ है ऐसा चीज, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था इंग्लैंड में. मेरे को यहाँ आके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. Because I felt like I came home, and all the girls and all the, they were absolutely wonderful. बोल रहे मामा कि अगर छोटी छोटी समस्याएं होती भी है तो भी मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा. और जो कन्याएं थी वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पर. मैं बहुत खुश रही. चलो खुशी ही फाउंडेशन है. Your happiness is the foundation. 84 जन का फाउंडेशन है भट्टी. और भट्टी में जो खुशी मिलती है कंटिन्यू, अगर खुशी मिले तो 84 जन का फाउंडेशन पक्का अच्छा बना. द फाउंडेशन फॉर द 84 बर्थ इज योर भट्टी. एंड इन भट्टी इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर कंटिन्यूअसली हैप्पी इन भट्टी, देन ऑल योर 84 बर्थ्स इज द फाउंडेशन फॉर द 84 बर्थ्स इज गुड. खुशी हो रही कि मैंने पास उसको पास किया. कोई को दुख हुआ तो बाबा किन्ही बातों से भाग जाते हैं. बच्ची पूरी नहीं करते, 6 दिन पहले भाग जाते हैं. 6 दिन पूरा करते करते भाग जाते हैं, 7 दिन रहते ही नहीं. माता जी आज इफ सम डू नॉट फील गुड इनसाइड देन बाबा सेड दे रन अवे. सम रन अवे इवन बिफोर कंप्लीटिंग द 6 डेज. सम रन अवे ऑन द 6th डे इटसेल्फ. दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क. कोई कंप्लीट करके भी दुखी होते हैं किन्हीं बातों से. वैरायटी जा रहे हैं ना. मतलब जैसे सम कंप्लीट येट दे फील सॉरफुल. वाला सर इट इज अ वैरायटी ट्री. बाबा यज्ञ के यज्ञ सेवा के बारे में, अगर किसी ने भट्टी नहीं की है और वो यज्ञ सेवा देना चाहे तो वो तो स्वीकार नहीं करना है ना. बाबा का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है. हाँ तो फिर बाप को लेने का हक क्या है. कोई बच्चा कमाई करे और कमाई करके देना चाहे तो किसे देगा. माँ बाप को ही देगा ना. वो पूर्ण जन्म को उसे छोड़ा ही नहीं है. तो बाबा कोई कोई ऐसे हैं कि संगठन में आते हैं, उनको मना करने के बावजूद भी वो कुछ पैसा रख के चले जाते हैं, उनका क्या करें. और लेटे क्या खरीदे होंगे वो तो. दादी आज रिगार्डिंग गिविंग सर्विस टू द
yajna, he asked that if they have not yet done the bhakti and if they wish to give some service to the yajna, then should we accept? Baba said when they have not yet been born, when they have not taken birth as the father's child, then whom are they giving it to? If a child earns money and if he wants to give it, whom will he give it to? He'll give it to his parents. So if when he has not yet taken birth, how can he give it to the father? Mataji said that some are such that they just keep some service, they just keep and go, they keep some money and go. So Baba said, you buy some literature from that and you give it to them, give it back to them. और बाबा अगर कोई कुमारी है उसके पास अपनी कमाई की कोई पूंजी है वो यज्ञ सेवा में देना चाहे तो बाबा तो कहते हैं कुमारियों का धन स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेगी फिर वो और कमाएगी तो जब वो पूंजी वो दे रही है और जितना वो कमाएगी उतना उसका अपना नुकसान होगा क्योंकि जिन सोर्सेज से वो कमाएगी आज की दुनिया तो कुमारियों को छोड़ने वाली नहीं है बाबा कुमारी का तो घाटा ही होता रहेगा बाबा तो अगर उसने अपना जमा करके रखा हुआ है वो समझती है कि ये यज्ञ के लिए है बाबा के लिए है तो बोलते अगर वो नहीं देगी यज्ञ में तो लौकिक में उसे खर्च करना पड़ेगा अपने लिए खर्च करे तब तो क्यों खर्च करे तो न ज्यादा कमाए अपने को सेव करके समाज के संघ के रंग से अपने को बचाए और अपने लिए मनी रखे बचा करके मतलब ये आज लग if the sister wants to give it to the yajna. So Baba said that if it is accepted, then she will start earning even more. She will start earning more. So Baba said, and in today's world is so bad that if the extent to which she will go and earn outside, that much she will bring harm to herself. She cannot remain safe. So he said, if she has that money which has already been earned, then let her spend it on herself. Why should she spend it on the तो बोलती है उसको मुरली में बोला है कुमारियों की तो सब दसून बन पड़ते हैं माँ बाप भी दसून है एवरीबडी बिकम्स एन एनिमी ऑफ सिस्टर कुमारी एवरीबडी बिकम्स एन एनिमी इवन देयर पेरेंट्स बिकम एन एनिमी बाबा वो अपना वो रिटायर्ड भी हो चुकी है रिटायर भी हो चुकी है 63 साल की है लेकिन वो अभी तक अपने पेंशन के पैसे से जमा कर करके वो रख रही है और बाबा को देना चाहती है पेंशन के पैसे से कमा के रख सकती तो उन कन्याओं को सहयोग करे ना जो बेचारी नौकरी में फंसी हुई है बाबा को जरूरत नहीं है सहयोग दे सकती है किसी को उन कन्याओं को दे जिनकी वजह से उसको अपने जीवन में अनुभव मिले हैं समाज से जी बाबा समाज के लिए ऐसी कन्याओं को ठीक बाबा तो वो उन कन्याओं को सहयोग करे ना जो उस तरह के जीवन से गुजर रही है ऐसी कन्याएं हैं बाबा जिसको वो भर्ती करने आना चाहते हैं लेकिन उनकी परिस्थिति नहीं है अपने हमजेंस को सुधारे ठीक है बाबा जी सर दैट शी हैज द पेंशन अमाउंट शी इज अराउंड 63 इयर्स ओल्ड एंड शी हैज द पेंशन अमाउंट कलेक्टेड विद हर सो बाबा सेड शी कैन मेक यूज ऑफ इट ऑन दोस सिस्टर्स who are facing a similar situation like her, who are working now, who have the necessity to work. She can help them. She can give them as a help. And Mataji said there are some sisters who want to come to Bhatti, but they don't have enough money. So Baba said she can help them. She can help the likes of her. She has faced and she has experienced it. So she can help sisters who are like her. ऐसे उसने माताजी को भी help किया है. She has helped this Mataji come here. उसकी परिस्थिति नहीं थी आने की लेकिन बहुत लगन जब से आई है उसे लगन है कि बाबा से मिलना है उसने उसको हेल्प किया भक्ति करके गई है उसकी लगन बहुत तीव्र है वो अकेली रोज आती है क्लास में that she comes every day to the class alone. She comes. She's the one who comes every day to the class. She is 63 साल की है. और सेवा के लिए भी खड़ी रहती है लौकिक में भी अलौकिक में भी.
भक्ति करके जाके अगर भक्ति करे भक्ति करे तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा तो भक्ति करेगा। माता जी आज दैट इफ समबडी कंप्लीट्स हिज भक्ति एंड देन गोज बैक टू भक्ति अगेन सो व्हाट इज इट। सो बाबा सेड दैट इट मींस दैट नॉलेज इज नॉट entered into his intellect properly. That is why he is going back to bhakti. और भक्ति की संस्कार तो सभी में है, जो भी एडवांस में चल रहे हैं सब में परसेंटेज में भक्ति की संस्कार है ही है। The संस्कार of bhakti, that is devotion, is there in everyone, even those who are now taking the advanced knowledge, there is bhakti in them to some extent, to some percentage there is bhakti in everyone. बाबा कोई माता है ऐसी जो भक्ति करके गई है और भक्ति करने भी जाती है तो उसका कारण क्या है कि उसका युगल ज्ञान में नहीं चलता है। अब युगल भक्ति करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बैठे उसके साथ करे तो वो दिखाने के लिए करे तो क्या। वैसे तो बाबा ने कहा है अंदर से अगर बाबा को हाँ, याद कर रही है हाँ, और पति को संतुष्ट करने के लिए कर रही है जब हाँ, बाबा पति की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है हाँ बाबा तो लेकिन हर जगह तो न करे हर जगह न करे। क्लास में आई है क्लास में आ रही है चुड़ियाँ पहन रही है सब कुछ कर रही है सारे क्लास में आने के लिए रेगुलर हर संगठन में आती है। क्लास में भी अपने तरीके से बैठे जैसे बाबा चाहते हैं हाँ बाबा। माता जी सेड दैट देयर इज अ सोल हु हैज कंप्लीटेड हर भक्ति एंड शी इज नाउ स्टिल नाउ शी इज डूइंग भक्ति दैट इज बिकॉज हर हस्बैंड he is in bhakti now and he wants her to be with her whenever he goes to do bhakti. So Baba said it is okay if she is remembering Shiv Baba from within and just for showing off she is doing bhakti from outside, but she should not do it everywhere. When she comes to class she should not wear the bangles and the bindi, she should not and not do everything that is related to bhakti. When she comes to class she should come as Baba wishes her to be in the class. Aur usko yugal ko bhi koi aapatti nahi hai wo class mein aati hai to वो उसे सपोर्ट करता है कि जाओ खुद नहीं आएगा लेकिन उसको याद दिलाता है समय हो गया है जाओ। तो जैसे ये साबित होता है कि उसका पति अगर वो भक्ति नहीं भी करेगा नहीं भी करेगी तो उसका पति उसको सहयोग करेगा। लेकिन भक्ति के लिए वो मजबूर करता है कोई कथा का आयोजन करेगा पंडित जी को बुलाएगा तो सारा कुछ इसको संभालना है उसको सहयोग देने के लिए। कोई भक्ति कर रहा है बाबा कहते भक्ति करने के लिए मना मत करो तो अगर पति भक्ति कर रहा है तो हम उसको सहयोग दे रहे हैं पूरी हो जाए हाँ बाबा इतनी बात अपने लिए थोड़ी कर रहा है। हाँ जी बाबा इफ योर हस्बैंड इज डूइंग भक्ति एंड इफ वी आर हेल्पिंग हिम इफ वी आर कोऑपरेटिंग विद हिम देन वी आर हेल्पिंग हिम कंप्लीट हिज भक्ति। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ बट वी आर हेल्पिंग देम टू कंप्लीट देयर भक्ति दैट्स व्हाई वी आर कोऑपरेटिंग। बाबा ये भक्ति मार्ग जो लोग हैं भक्ति करते हैं कि कितना इफेक्टिव है और इसको फॉलो करने से क्या ये लगता है कि फायदे हैं ये लोग ऐसे मोर की तरह फॉलो करते हैं सिर्फ परंपरावादी जैसे ढाई हजार वर्ष की जो हिस्ट्री है भक्ति की वो क्या कह रही है वो हिस्ट्री ये बता रही है कि मेंटेलिटी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है नीचे The question was is there any use of doing this bhakti and following the tradition? So Baba is asking what does the 2500 year history say about the bhakti? Is the mentality gone down? 2500 So this 2500 years that history what does it say? Has the mentality gone down or has it gone up? The mentality has gone down. भक्ति माना अंधश्रद्धा कारण कार्य का कोई विश्लेषण नहीं बस गुरुओं ने कहा है हमको करना है। भक्ति मीन्स ब्लाइंड फेथ देयर इज नो रीजनिंग इन इट दे डू नॉट थिंक अबाउट द रीजनिंग द रीजन फॉर डूइंग इट द गुरु हैज टोल्ड अस एंड वी हैव टू डू दैट इज ऑल दिस थिंग बस परंपरा और रिचुअल को फॉलो करते हैं दूसरे तरफ थिंकिंग में नहीं जाते फॉलो द लीडर फॉलो द फैक्ट Follow the shepherd, ऐसा है
भक्ति से अल्पकाल की खुशी मिलती है, वो अल्पकाल की खुशी की तरफ आदमी दौड़ता है। जैसे आदमी शराब पीता है थोड़े टाइम के लिए, हो गया बस बहुत कुछ मिल गया, नहीं छोड़ता क्योंकि अल्पकाल की चीज में अभ्यस्त हो गया। Baba says that bhakti gives temporary happiness and the man runs behind this temporary happiness. For example, he drinks alcohol. After he drinks alcohol, he feels intoxicated and he feels good, and then it becomes a, then he keeps drinking again. So he has become habituated to this temporary pleasure. और दूसरी बात है, भक्ति मार्ग में एक्सप्लेनेशन भी है स्पिरिचुअलिटी क्या होते हैं, भक्ति मार्ग में ऐसे हैं ब्रांचेस, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है जो लौकिक लोग हैं भक्ति मार्ग को प्रैक्टिकल गेन्स, जो हमको मिल जाए कोई चीज, कोई चीज की आशा रखते, उमंग रखते, वो हमको फुलफिल हो जाए, मिल जाए, उमंग रखते, व्रत रखते, तो वो एक किस्म का मेटलिस्टिक विशेष है, वो भौतिक भौतिक साधनों के लिए इच्छा रखते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे महात्मा साधु सेज ऋषि मुनि वो दूसरी तरफ गए हैं उनके, वैसा तो बेसिक में चलता है, बेसिक चलता है वैसा तो बेसिक ही तो भक्ति की श्रुति है। उनको भी पता है लेकिन फिर भी वो मिसलेड है, उनको पता है एंड क्या होना चाहिए, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो भी अधूरे हैं। मेरे पास रजियन प्रश्न है। हाँ जी। पहले हम जानते थे कि आप इंग्लिश में बोलिए, बोला था ठीक है, फाइन, यस, टेल इन इंग्लिश, हाँ, फ्री होकर बोलिए, यू कैन टेल फ्रीली। हाँ, इन 18 वाज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ कृष्णा बिफोर दिस न्यू नॉलेज, बिफोर इट वाज रिफाइंड, यस, रिफाइनिंग होने से पहले 2018 जो है वो कृष्ण का जन्म का समय बताया गया था, ये रिफाइनिंग ज्ञान होने से पहले तो कृष्ण का जन्म जो बताया गया, हाँ ठीक है, तो 50 इयर्स कम है कृष्णा के साथ 84 जन्म है, लेकिन 50 इयर्स कम होता है ना, आप हिंदी नहीं बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, स्पीक इन इंग्लिश, पूछ रहे हैं बाबा कि 50 साल कम हो चुके हैं, वो इसकी हिंदी तो जितनी आप समझ रहे हैं आप इंग्लिश बोलिए। बाबा इज सेइंग यू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, नो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बिफोर इट वाज सेड देयर वाज 50 इयर्स लेफ्ट, यू हैड कृष्णा हैड 84 birth, 50 years left. Now the knowledge has been refined, and 18 is no more the birth of Krishna, it's the birth of revelation of Krishna. So the birth in the body is 36. So how can we count that he has minus 50 years? He's minus 50 years. पहले बताया जाता था कि जो 50 साल कम है कृष्ण के 84 जन्म में 50 साल कम है, और उसी हिसाब से कृष्ण का जन्म 2018 में बताया गया था, लेकिन अभी रिफाइनिंग ज्ञान का रिफाइनिंग होने के बाद अभी कृष्ण का जन्म जो है वो 2036 में बताया जाता है, तो फिर ये 50 वर्ष जो कम हो गए हैं उसका हिसाब कैसे निकालें? उसका हिसाब ऐसे है कि जो कृष्ण की आत्मा अभी पार्ट बजा रही है वो अपने सूक्ष्म शरीर से बजा रही है, उस आत्मा का आप ही अपना कारण शरीर जो बिंदु रूप आत्मा है वो कंप्लीट नहीं है। Baba says that it can be accounted for in this way that the part that the Krishna soul is playing right now is through a subtle body. The body has not become the causal body yet. That is the point like state. That has not come yet. It has not become the complete state of the point yet. So he is playing the part through the subtle body now. और 2018 के बाद जो कृष्ण की सोल है वो कारण रूप बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाएगी आफ्टर 2018, और राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं के समान संस्कार हो जाएंगे आफ्टर 2018 जो विष्णु का क्लैरिफिकेशन है आफ्टर 2018 द कृष्णा स्टेज विल बिकम कंप्लीट एंड ही विल
he will attain the seed form state, the point state. And his sanskars and the sanskars of the Ram soul, they will match. They will be the same. As explaining the role of Vishnu. Okay, so then in this case, Ram becomes Ravan and Krishna becomes Khan. That is 18, when the Mahabharata was Khan. पूछ रहे बाबा कि 2018 में ही राम रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है क्या जब महाभारत युद्ध शुरू होता है नहीं राम को रावण तब बनना है जब छुटपुट जो विस्फोट हो रहे हैं एटमिक उनसे कोई काम नहीं होता राम बिकम्स रावण व्हेन दीज स्मॉल एक्सप्लोजन्स दैट आर टेकिंग प्लेस द लिटिल एक्सप्लोजन्स दैट आर टेकिंग प्लेस हियर एंड देयर व्हेन दे आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क When those explosions are not able to do any work, then Ram becomes Ravan. अच्छाई की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी 500 करोड़ आत्माओं में तब राम को डेविल का पार्ट हो जाना. When there is no margin of goodness at all in all the 5 billion souls, then Ram has to play the part of Ravan. पूरा तो धरवाई करती है. वो सबसे लास्ट में होगा. क्योंकि वो तो 500 करोड़ का बाप है. Because he is the father of the 5 billion. तो 500 करोड़ आत्माओं में भी जो इविलनेस है वो इविलनेस का भी वो बाप है द इविलनेस दैट इज देयर इवन इन द 5 बिलियन सोल सो ही इज द फादर ऑफ इवन दैट इविलनेस